नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाई मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे वीर पीस यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्या आपको पिछली किस्तें मिलेंगी? तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों, अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 12वें महीने में रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो क्या आपको पिछली किस्तों का लाभ भी मिलेगा या फिर जो उस समय जो किस्त लागू थी उसी का लाभ मिलेगा? जैसे किसान भाइयों, आपको पता है कि जो किस्तें मिलती हैं इसके अंदर जो किस्तें शुरू होती हैं वो अप्रैल से लेकर अगस्त तक टाइम पीरियड होता है। अगला जो टाइम पीरियड है वो सितंबर से लेकर नवंबर तक का होता है और उससे अगला टाइम पीरियड दिसंबर से मार्च तक का होता है। किसान भाइयों, जिस भी आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, अगर आपने 12वें महीने में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको पिछली किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा। जो नवंबर तक जो किस्तें आ चुकी हैं उनका लाभ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एक ही किस्त दी जाएगी और अगले अप्रैल महीने में आपकी अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। अगर आपका फार्म अब पास होता है तो आपको एक ही किस्त दी जाएगी, आपको मार्च और दिसंबर के बीच वाली किस्त नहीं मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपका जो फॉर्म है वो पास हो गया था लेकिन किसी बैंक अकाउंट या किसी और दिक्कत के कारण आपका जो फॉर्म है वो होल्ड हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, उसके पैसे नहीं आए और जब आपने करेक्शन करवा दी तो आपका फॉर्म फिर से ठीक हो गया, इसके बाद जो आपकी किस्तें आएंगी वो जब आपका फॉर्म पास हुआ था उसके बाद जितनी भी किस्तें आई हैं वो सभी किस्तें आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएंगी, न कि अकाउंट ठीक होने के बाद जिस महीने में आपका अकाउंट ठीक हुआ है उस हिसाब से आपकी किस्त जारी की जाएगी। आप बल्कि आपकी किस्त जब आपका फॉर्म पास हुआ था उस समय से आपकी किस्त जारी की जाएगी। फ्रेंड्स, आपका फॉर्म अप्रूव होने के बाद आपकी डेट स्टार्ट होती है, न कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है सीएससी के माध्यम से या खुद आपने रजिस्ट्रेशन सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया है तो उस समय से टाइम काउंट नहीं होगा, बल्कि आपका फॉर्म अप्रूव होने के बाद आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। किसान भाइयों, पिछली किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कस्टमर आते हैं या फिर कमेंट आते हैं कि सर हमारा फॉर्म पास हो गया है, हमारी एक किस्त भी आ गई है लेकिन हमारी पिछली किस्तें अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आई है। कई किसानों की 5 किस्तें आ गई हैं, कईयों की 6 किस्तें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। किसान भाइयों, जो पिछला जो किसानों को जो पैसा मिला है वो उनके जो फॉर्म है वो पास होने के बाद उनके पैसे आए हैं, बल्कि उनके पिछले पैसे नहीं आए हैं, या फिर उनके फॉर्म अगर शुरू से ही पास थे लेकिन स्टार्टिंग में या 21 आने के बाद उनका जो अकाउंट है वो इनएक्टिवेट हो गया है, अकाउंट चेंज हो गया है, तो उनके पैसे अगर पैसे नहीं आए थे अकाउंट इनएक्टिवेट के कारण, तो उन्होंने जब अपना जो अकाउंट है वो ठीक करवाया, उसमें बैंक अकाउंट ठीक करवाया, उसमें आधार कार्ड ठीक करवाया, इसके बाद उनके पैसे पिछले भी दिए जाएंगे और अगर आपका फॉर्म उस समय आपने नया पास करवाया है तो आपको पिछले पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपका जो फॉर्म फिलहाल जब पास हुआ है वही पैसे आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे, उससे आगे आपकी किस्तें नॉर्मल पिछले किसानों की तरह स्टार्ट हो जाएंगी, बल्कि आपको पिछले पैसे नहीं मिलेंगे। जिस महीने से आपके पैसे पास हुए हैं, अगर आपके पैसे अप्रैल और अगस्त के बीच में पास हुए हैं तो आपको इस 4 महीनों के पैसे मिलेंगे, और अगर आपके पैसे सितंबर से नवंबर के बीच पास हुए हैं तो आपको पिछले महीने के पैसे नहीं मिलेंगे, उन्हीं महीनों के पैसे मिलेंगे। चाहे आपको आखिरी दिनों में आपके जो फॉर्म है वो पास हुआ हो, आपके पैसे ज़रूर आएंगे। और दिसंबर और मार्च के बीच पास हुए हैं तो आपको दिसंबर और मार्च की जो किस्त है वही मिलेगी, पिछली किस्त नहीं मिलेगी। वो किस्त आने के बाद अगले किसानों की किस्त आएगी, आपके भी किस्तें उनके साथ नॉर्मल किस्तों की तरह आने लगेंगी, उनसे पहले आपकी जो पहली किस्त जो आपका पास हुआ है वो किस्त उनसे पहले आ सकती है, क्योंकि उनकी वो किस्तें पहले ही आ चुकी होंगी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर किसान भाई, अगर आपको कोई और समस्या है या किसी संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत।